नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। मनी माजरा में अवैध रेड़ी फड़ी को लेकर मनीमारा व्यापार मंडल के प्रधान मलकी सिंह ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि जो भी अवैध रूप से रेड़ी फड़ी लगा के बैठे हैं उनको जगह खाली कराई जाए, और जिसके कारण सीधा सीधा नुकसान जो दुकानदारों को रेड़ी मार्केट को हो रहा है। तो आइए हम मलकी सिंह से पूछते हैं कि उनका क्या कहना है इस बारे में। इस बारे में ऐसे है जी, जब प्रशासन ने पहले ही ऑलरेडी रेड़ी मार्केटें बना रखी हैं चंडीगढ़ में, चलो उसके बावजूद भी इन्होंने वेंडर जोन बना दिए, ना तो उन वेंडर जोन सही बने हैं, उन पर लाखों रुपए इन्होंने बर्बाद कर दिया कॉरपोरेशन में, किसी सही उससे नहीं बनाया वेंडर जोन को। वेंडर जोन में कोई भी वेंडर नहीं बैठ रहा, जितने ये वेंडर बस स्टैंड के हॉस्पिटल की दीवार के साथ बैठे हैं तकरीबन ये आईटी पार्क में वेंडर जोन है जो उसमें आते हैं, लेकिन ये वहाँ जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं। इन्होंने यहाँ पर जो हॉस्पिटल की दीवार है और उसके सामने सरकारी स्कूल है और उस पर ये अनलीगल तरीके से कोई ऑर्डर नहीं है किसी का बिठाने का, कोई कुछ नहीं, चाहे लाइसेंस भी है, कुछ बिना लाइसेंस वाले भी हैं, लेकिन इनको किसने ऑथराइज कर दिया कि फुटपाथ पे ये जो लोगों को चलने के लिए फुटपाथ है भी उसको ये कवर कर लें। आपने याचिका दायर करने से पहले कभी अधिकारियों से बात करने की कोशिश की? हाँ, मेरी कई बार, मैं मैडम कमिश्नर को कितनी बार मिला हूँ, उन्होंने मेरे को कहा भी है कि हाँ जी हम इनको मूव कर देंगे, आप हमारे को थोड़ा सा समय दे दो, लेकिन उनके समय समय के चक्कर में हमने बहुत चक्कर काटे, काफ़ी लोग गए, हमने कई बार कंप्लेंटें भी दी पेपरों में, न्यूज़पेपरों में रोज़ आ रहा है, उसके बावजूद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, हमारे कोर्ट में जाना पड़ गया। तो ये इन्फोर्समेंट वाले भी आते हैं इनको उठाने के लिए कि नहीं आते? नहीं आते, इन्फोर्समेंट की गाड़ियाँ इनके आसपास घूमती रहती हैं, कोई नहीं पूछता इनको, ना इनको कभी कोई उठाता है, कंप्लेंट करने के बावजूद नहीं उठाता, इतनी बड़ी बड़ी खबरें लग रही हैं रोज़ कोई नहीं उठाता इनको, तो आराम से बैठे हैं। तो ये कितने लगभग मेरा ख्याल 100 से 200 वेंडर में कितने लोगों के पास लाइसेंस है, कितने जो है इलीगल है? मुझे लग रहा है 40-45 लाइसेंस वाले होंगे मुश्किल से, उन्होंने भी आगे से आगे लाइसेंस ले रखा है, कुछ मौली जागरण के लाइसेंस वाले हैं, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, वो कोई इनका तो ढंग से कोई लाइसेंस भी आगे चेक नहीं करता, फोटो कॉपियाँ करा के उस पर खुद ही लिख रखा है इन्होंने। तो आज हाई कोर्ट में क्या रहा, कुछ हाई कोर्ट में कुछ नया हुआ है? हाई कोर्ट में आज तारीख थी, आज इन्होंने वहाँ पेश होना था, तो अभी हमारे वकील साहब बता रहे थे कि इनको अभी सम्मन रिसीव नहीं हुए हैं, तो इसलिए जज साहब ने अगली डेट लगा दी है। कब की अगली डेट? कब अगली डेट? ये 17-8 है लगी है जो। तो आपकी वैसे क्या मांग है, प्रशासन से क्या मांग है? नहीं, प्रशासन से हमारी यही मांग है कि इनको जो अनलीगल तरीके से ये वेंडर रोड पे बिठा रखे हैं, एक तो पब्लिक का लॉस हो रहा है इसमें, हमारे दुकानदारों को लॉस हो रहा है, रेड़ी जो फड़ी होती है, फड़ी कोई चाय वाला हो सकता है, मोची बैठ सकता है, और छोटी मोटी होती हैं फड़ी, इन्होंने तो बड़े बड़े तरपालें लगा रखे हैं, देखो कैसे शोरूम बना के, आपने भी देखा होगा, नहीं देखा तो अभी आप जाते समय देख लेना कैसा इन्होंने बुरा हाल कर रखा है, वहाँ पैर रखने की जगह भी है, कहीं निकलने की जगह नहीं है, लेकिन प्रशासन के जूनी सरकती बिल्कुल भी इनको बिठा रखा है, उनकी पूरी सपोर्ट है इनको बैठे। मलकीत सिंह का कहना है कि जो ये रेड़ी फड़ी वाले बैठे हैं इसका सीधा सीधा नुकसान व्यापारियों को होता है, क्योंकि व्यापारी जो है एक दुकानदार अपना जीएसटी भी भरता है, दुकान का किराया भी देता है, इनकम टैक्स भी देता है, सरकार को हर प्रकार की फीस भी देता है, बावजूद इसके सरकार उनकी और ध्यान ना देकर रेड़ी फड़ी वालों को बैठा के बैठी है, जो कि पूरी तरह से इलीगल है। मलकीत सिंह चाहते हैं कि इस मामले की जल्दी जल्दी सुनवाई हो। मैं करमजीत सिंह, अर्थ प्रकाश के लिए चंडीगढ़ से। अच्छा, इसके साथ ही आपने एक आरोप भी लगाया है कि मेयर के पति और पूर्व डिप्टी मेयर ने इनको पूरा समर्थन दिया है, उनके शय पे ही सब कुछ हुआ है। देखिए, आरोप नहीं लगाए, ये सच है, मैंने कोई झूठ तो बोला नहीं है, हमारे पास तो पुख्ता प्रूफ है, हम तो किसी की नौकरी पे किसी की पोजीशन पे जाना नहीं चाहते, अगर ये चाहे ना तो फड़ियां एक मिनट में उठ जाएंगी, और मैं फड़ी कभी लगने नहीं दूंगा अनलीगल तरीके से, यहाँ चाहे कोई आ जाए बिल्कुल नहीं लगेगी फड़ी, ये जो भी पैसे इकट्ठे करते हैं, जिसको जिसको पैसा जाता है हमारे को सारा पता है, हमारे भी तो बंदे बीच में फड़ियां लगाते हैं, हमारे को सब पता है, लेकिन हम किसी की नौकरी पे नहीं जाना चाहते कि इनकी वजह से 2% के बंदे जो यहाँ ग्राही करते हैं, गंद पा रहे हैं, भी उनकी वजह से किसी का नुकसान हो जाए, हमारे को सब पता है कि बीजेपी इसमें पूरी इन्वॉल्व है, जग्गा जी पूरा इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, नहीं तो कोई बंदा अगर शहर का मेयर बनाया है तो शहर में गंद थोड़ी पाएगा, शहर में गंदगी नहीं होनी चाहिए, ट्रैफिक आप देख लो, राणा हवेली पे निकलने की जगह नहीं मिलती, जग्गा जी को बोलो ना कभी आके देख लें, आके देखना चाहिए, शहर के मेयर है तो आके देखें भी यहाँ कितनी दिक्कतें हैं लोगों को, ये थोड़ी है विचार बंदे अगर इकट्ठे होकर चले गए आप उनकी बात सुन ली, इनको व्यापारियों को नुकसान करा रहे हैं, तो गलत चीज है, तो मैं बिल्कुल नहीं लगने दूंगा ये तो। अच्छा, मेयर से याद आया, ये दूसरी बार है कि मनीमारे से एक पार्षद मेयर चुना गया है, और
उनको चुने भी सात महीने हो गए, तो ये सात महीने में आपको लगता है कि मेयर ने कुछ किया है? कुछ काम नहीं हो रहा मनी माजरे में, कुछ काम नहीं हुआ। एमसी ऑफिस में किसी की एनओसी नहीं होती, लोग धक्के खा रहे हैं, पूरा जगह जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं। मेयर के खुद घर के बाहर देख लो आप क्या हालत है, यहीं से आपको पता चल जाएगा कि इतनी उनकी अप्रोच है, ठीक है ना। इतना बुरा हाल है उनके, जिस मोहल्ले में मेयर खुद रहती हैं उस मोहल्ले का आप हाल देख लो, ट्रैफिक का देख लो, सड़कें टूटी पड़ी हैं, जगह जगह मोटर मार्केट में देखो कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। तो कोई फायदा नहीं हुआ मनी माजरे को मेयर बनने का। तो जो आपके यहाँ के जो पार्षद हैं चंदा काला, उनकी पार्षद हैं, तो उनके काम से आप संतुष्ट हैं कि नहीं? किसी ने कुछ नहीं किया जी, सिर्फ वोटें डली, जीत के बैठे हैं, सिर्फ वही है फॉर्म लेके आ गया, कोई साइन करवाया छुट्टी, और इससे ज्यादा कुछ काम नहीं है उनके एरिया में। खुद देखो आप, मेरी बात सुनो, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप जगह जगह जाके देखो खड्डे, सड़कें किसे टूटी पड़ी हैं, कोई सफाई का सिस्टम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जबकि ये पार्षदों की जिम्मेवारी है। पार्षद खुद जाके दफ्तरों में बैठे और वहां लोगों के काम करवाएं। आप यहाँ अपने एमसी ऑफिस में देख लो मनी माजरे में, लोगों के चार पांच पांच साल हो जाते हैं, एक मकान खरीदा उसका ट्रांसफर नहीं होता, इतनी कितना बड़ा ये काम है बताओ। मैं आपको एक जगह करेक्ट करना चाहूंगा, ये जो पार्षद हैं, ये यहाँ तो दर्शना देवी है, लेकिन पार्षद के नाम पे गुरचरण दास काला क्यों बोला जाता है? मेयर सरबजीत कौर है, लेकिन मेयर के नाम पे जगह क्यों बोला जाता है? ये ऐसा क्यों है? ये ऐसा इसलिए है ना, लोगों को ये लगता भी करना तो सारा यही है, वो तो बेचारे बस वैसे ही बना दिए नाम के लिए, ये काम तो इन्होंने ही करना है। तो ये गलत नहीं है आपके? बिल्कुल गलत है, जिसका काम जिसका होता है वो करे, वो डील करे, किसी का कोई मतलब नहीं बनता, गलत है ये। तो ये मलकीत सिंह थे, इन्होंने अपनी राय रखी कि शहर में मेयर के नाम पर उनके पति काम करते हैं और पार्षद के नाम पर उनके पति काम करते हैं, लेकिन काम कोई भी करे काम तो होना चाहिए। इन्होंने बताया कि मनीमारा में सात महीने होने के बावजूद भी आज तक एक भी काम नहीं हुआ, सड़कें टूटी हुई हैं, पार्कों का बुरा हाल है, बाजार को किसी तरह से कुछ मिल नहीं रहा, व्यापारियों को कोई फायदा नहीं हुआ, मेयर आने का भी कोई फायदा नहीं। मैं करमजीत सिंह, अर्थ प्रकाश चंडीगढ़। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।